हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मुथूट फाइनेंस लास्ट ट्रेडिंग डे में 1106 रुपए पर क्लोजिंग दिया है। और जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जान रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन हावी है, काफी बिकवाली हावी है और सारे के सारे स्टॉक चाहे वो फंडामेंटली मजबूत हो या पेनी स्टॉक हो या स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, सारे के सारे जो है लगातार गिरावट में चल रहे हैं। और मुथूट फाइनेंस में भी हम लोग गिरावट देख रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुथूट फाइनेंस अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट 9 फरवरी को लेकर के हम निवेशकों के सामने आने वाली है। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुथूट फाइनेंस के जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट रहेंगे वो कैसे देखने को मिल सकते हैं और पास्ट में ये कंपनी कैसे रिजल्ट लेकर के आई है हम निवेशकों के सामने। इस पूरी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके टेक्निकल और फंडामेंटल को भी चेक करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग अपनी राय बनाएंगे कि मुथूट फाइनेंस में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं लगातार आपके लिए मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक के बारे में वीडियो बना करके ला रहा हूं और आपके समक्ष रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुथूट फाइनेंस ने अपने निवेशकों को अभी तक कैसा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि पिछले 5 साल में मुथूट फाइनेंस ने 478% का तगड़ा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, जबकि सेम पीरियड में जो सेंसेक्स है वो 86.11% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग कैसे जाने कि क्या ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है या नहीं रह सकती है, हम लोग कैसे जाने और क्या कारण है कि इसने इतने कम समय में 5 साल के शॉर्ट पीरियड में अपने निवेशकों का पैसा 6 गुना कर दिया है, इसके क्या कारण रहे हैं। तो हम लोग चलिए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं और समझने से पहले सबसे पहले इसके टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं मुथूट फाइनेंस के और ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में दोस्तों हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मुथूट फाइनेंस में मंथली बेसिस पर बिकवाली हावी है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। और अगर पूरे ट्रेंड की बात करें तो अभी वर्तमान में ये साइडवेज मोमेंट देता हुआ दिख रहा है मंथली बेसिस में, यानी कि कंसोलिडेशन में ये चल रहा है। और ओवरऑल ट्रेंड देखें दोस्तों तो ओवरऑल ट्रेंड जो है मुथूट फाइनेंस में अपवर्ड ट्रेंड है, यानी कि बुलिश फेज में है। और अगर हम लोग टेक्निकल लेवल्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ देखिए मुथूट फाइनेंस का शेयर भाव अपने 50 डेज एमा और 100 डेज एमा इन दोनों ही इंडिकेटर से काफी ऊपर जाकर के ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये टेक्निकल चार्ट पर भी मंथली बेसिस पर काफी बुलिश ट्रेंड में। हालांकि अभी ये कंसोलिडेशन में है, बाजार में बिकवाली हावी है तो सारे स्टॉक गिर रहे हैं, इसलिए मुथूट फाइनेंस भी गिर रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है इसके बुलिश है। तो अब दोस्तों कोई भी राय बनाने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है इस स्टॉक में जो कि इसने पिछले 5 साल में अपने निवेशकों का पैसा 6 गुना किया है। तो इसके लिए हम लोग इसके एनुअल रिजल्ट को चेक करते हैं दोस्तों। और अगर इसके सेल्स फिगर को देखें FY15 से तो इनके जो सेल्स हैं लगातार साल दर साल देखिए लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनका जो सेल्स फिगर है कभी भी गिरावट में नहीं गया है, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है लगातार अपवर्ड ट्रेंड में अपने सेल्स फिगर को बढ़ा रही है। अब आइए देखते हैं नेट प्रॉफिट का क्या हाल है। तो नेट प्रॉफिट भी देखिए ये लगातार साल दर साल लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, काफी तगड़ा इसमें ग्रोथ देखने को मिला, कभी भी इसमें भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, इनके नेट प्रॉफिट समय के साथ लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। अब आइए इनके रिजर्व बढ़ रहे हैं या नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो साल दर साल के रिजर्व भी जो है देखिए बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कभी भी इसमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 5 साल के शॉर्ट पीरियड में इसने काफी अच्छा रिजर्व अपना जमा कर लिया, इनके रिजर्व जो है पिछले 5 साल में लगभग हम लोग कहें कि 2.5 गुना से ज्यादा हम लोग
बढ़ता हुआ देखे हैं और नेट प्रॉफिट भी अभी हम लोगों ने देखा था कि काफी तगड़े रेट से बढ़ी है। अगर हम लोग इसको समराइज व्यू में अगर जानना चाहें तो हम लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनके जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल में 17% CAGR के रेट से बढ़े हुए हैं और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 36% सालाना की दर से बढ़े हैं, जबकि पिछले 3 साल में इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये 17 से बढ़कर के 18% होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं इनके प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल में 36% से बढ़कर के 38% होते हुए हम लोगों ने देखे, यानी कि ये कंपनी ईयर ऑन ईयर इनके जो ग्रोथ है वो हाई ग्रोथ फेज में ये कंपनी जाती हुई देखने को मिल रही है। तो हम लोग ये पा रहे हैं दोस्तों कि मुथूट फाइनेंस के जो फंडामेंटल्स है वो काफी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे जब इसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं तो बड़े निवेशकों का किस प्रकार का रुझान है। तो स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं मुथूट फाइनेंस के। यहाँ पर देखिए जो प्रमोटर्स हैं लगातार अपना स्टॉक लगभग 73.4% बनाए हुए हैं और FIs की होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो FIs अपने होल्डिंग इसमें लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि सितंबर क्वार्टर में इन्होंने कुछ प्रॉफिट भी बुकिंग किया था, ये देखिए 14.6 से घट करके 13% हुआ था। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने वापस अपना स्टॉक इसमें बढ़ा करके 15.1% कर लिया है और DIs भी अपना जो लगभग 6% के आसपास का स्टॉक इसमें लगातार बनाए हुए हैं। और हम लोग कुल बोले कि FIs प्लस DIs की बात करें तो इन दोनों को मिला करके तकरीबन 22% का स्टॉक बड़े निवेशकों का है और प्रमोटर्स के पास 74% का है। तो कुल मिला करके हम लोग ये कह सकते हैं कि 96% जो शेयर है मुथूट फाइनेंस का वो बड़े निवेशकों के हाथ में है और बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक के पास है और कुछ अदर इंस्टीट्यूशन के पास बचे हुए हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी मजबूत हैं और बड़े निवेशक भी इसमें काफी हैविली इन्वेस्टेड हैं। इसका मतलब ये भी है कि बड़े निवेशक भी इस चीज को जानते हैं कि कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, इसलिए ये जो हम लोग को इंडिकेशन मिल रहा है कि ये मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है और इस वजह से बड़े निवेशक भी इसमें निवेशित हैं। तो चलिए अब तो दोस्तों हम लोगों ने जान लिया कि ये मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो अब हम लोग कैसे जाने कि ये जो 9 फरवरी को रिजल्ट लेकर के आ रही है वो कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल में ही मन्नापुरम फाइनेंस जो कि गोल्ड लोन व्यवसाय से ही आती है, उन्होंने अपना Q3 का रिजल्ट प्रस्तुत किया है जिसके वीडियो हमने बनाए थे और इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने पाया था कि मन्नापुरम फाइनेंस जो है काफी तगड़ा सेट ऑफ नंबर्स लेकर के आई है। मन्नापुरम फाइनेंस सेकंड नंबर पर आती है, मार्केट लीडर गोल्ड लोन में मुथूट फाइनेंस है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस के जो Q3 के नतीजे आएंगे वो अच्छे रह सकते हैं। लेकिन इसको दोस्तों हम लोग ये आश्वस्त होने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वो कैसे रहे थे, उसके आधार पर ही हम लोग कुछ अपनी राय बना पाएंगे। तो हम लोग सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, सेप्टेम्बर क्वार्टर की, तो हम लोग देख रहे हैं मुथूट फाइनेंस 2821 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी जो कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 2397 करोड़ देखने को मिला था। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट ईयर ऑन ईयर सेल्स फिगर में हम लोगों को पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब सेम पीरियड नेट प्रॉफिट को भी देख ले, 900 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी लास्ट सेप्टेम्बर क्वार्टर में, जबकि इस बार इनका सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़कर के 926 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आइए जून क्वार्टर का भी हाल देख लेते हैं, तो ये जून क्वार्टर में 2604 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी जो कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 2068 करोड़ देखने को मिला था। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इनके जून क्वार्टर में भी नेट सेल्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला था। अब नेट प्रॉफिट की बात करें, लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 556 करोड़ का नेट प्रॉफिट की थी जो कि इस बार के जून क्वार्टर में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 854 करोड़ होता हुआ देखने को मिला था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके जून क्वार्टर में इनके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को शानदार जंप देखने को मिला था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जून क्वार्टर में पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था और उसके बावजूद जो है कंपनी काफी
तगड़ा सेट ऑफ नंबर्स प्रस्तुत की है और सितंबर क्वार्टर में भी इनका जो रिजल्ट रहा है काफी तगड़ा देखने को मिला है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जो इनके दिसंबर क्वार्टर के जो फिगर आएंगे दोस्तों, लास्ट दिसंबर क्वार्टर यानी कि लास्ट क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से हम लोगों को शानदार देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। क्योंकि जो मन्नापुरम फाइनेंस है, जो सेकेंड नंबर की कंपनी है गोल्ड फाइनेंस में, उसने भी काफी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स लाया है और मुथूट फाइनेंस के भी जो रिसेंटली क्वार्टर के जो रिजल्ट हम लोगों ने देखे वो भी काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है जिसके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट जो है एनुअल रिजल्ट वो काफी शानदार देखने को मिले हैं और क्वार्टरली रिजल्ट भी जो है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी काफी तगड़ा सेट ऑफ नंबर्स हम निवेशकों के सामने पेश करने वाली है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। अब आइए दोस्तों कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम लोग वापस चार्ट पर आते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, चार्ट पर हम लोगों को साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये मुथूट फाइनेंस जो है अभी करेक्शन मोड में है। पूरा बाजार दोस्तों करेक्शन मूड में है। यहाँ पर सभी अंधे लंगड़े लूल्हे मजबूत फंडामेंटल वाले सभी स्टॉक जो है अभी सबकी धुलाई चल रही है, पिटाई चल रही है, सबके भाव गिरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे ही स्थिति में हम लोगों को मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक पर फोकस करना चाहिए और जिस भी प्राइस में आपको सही लगे उसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। क्योंकि मजबूत फंडामेंटल वाले कंपनी जब मार्केट का मूड अच्छा होता है उस समय कभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर नहीं मिलते हैं, करेक्शन में ही ये सस्ते वैल्यूएशन पर आते हैं और लगातार ये वापस उच्चतम स्तरों पर चलते हुए देखने को मिलते हैं। जैसा कि अगर हम लोग देखें कि लॉकडाउन के पहले मुथूट फाइनेंस जो है ये तकरीबन 900 के स्तर पर चल रहा था और जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो गिर करके लगभग 500 के स्तर पर आ गया और देखिए इसमें कितना तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। इसने तुरंत बाउंस बैक दिया, नेक्स्ट ही मंथ में बाउंस बैक दिया और पुनः अपने पुराने स्तर पर आ गया और उसके बाद देखिए ये जो है न्यू लाइफ हाई बनाया। जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था तो मुथूट फाइनेंस न्यू लाइफ हाई बना रहा था, अब ये कंसोलिडेशन में चल रहा है मंथली बेसिस पर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गिरावट होती है मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक में उसमें रिकवरी भी उतनी फास्ट होती है और ये हम लोग देख पा रहे हैं कि कोरोना के लॉकडाउन को भी ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से झेला और काफी अच्छा रिटर्न दिया कोरोना पीरियड में भी, लॉकडाउन के पीरियड में भी। और जैसा कि अभी हम लोगों ने उम्मीद लगाया है कि इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो हम लोग ये जरूर उम्मीद करेंगे कि जब भी मार्केट का सेंटिमेंट सुधरेगा तो ये स्टॉक इन लेवलों से भी काफी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अब आइए दोस्तों हम लोग डेली चार्ट पर देखें, डेली चार्ट पर देखिए क्या स्थिति बन रही है। डेली चार्ट पर तो काफी बुरा हाल है और जो इनका स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिला है वो तकरीबन 1000 के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। ये लेवल टूटेगा या नहीं ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अभी बजट भी आने वाला है कल, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन मेरी राय से अगर बोला जाए कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए तो इस स्टॉक में हर गिरावट में खरीदारी करके चलनी चाहिए और लंबे समय तक बने रहना चाहिए ताकि जिस प्रकार से हम लोगों ने पास्ट में इसके रिटर्न देखे हैं ये आगे भी ऐसा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने इसे अभी तक लाइक कर लिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर लें, मेरे कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट भी करें। ऐसे मैं एज ए डिस्क्लोजर बता देता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में भी मुथूट फाइनेंस है, मैंने अभी तक नहीं बेचा है और मैं गिरावट में खरीदारी के मूड में हूँ। अगर इसमें और भी गिरावट आती है तो मैं खरीदारी करके चलूंगा। ऐसे आप अपनी राय खुद का बनाएं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा जरूर कर लें। कोई भी डिसीजन इस वीडियो को देख करके ना लें, आप अपनी खुद की राय बनाएं। तो दोस्तों आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।